अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। सारी कौम की नज़रें वैसे तो कल आने वाली दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स में हैं। एक नैब कोर्ट का फैसला है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, जिसमें दो रेफरेंसेस हैं, जिसमें ओवरवेलमिंग लीगल ओपिनियन ये है कि सज़ा होगी, और सरप्राइज तब होगा कि सज़ा नहीं होती। उसके क्या पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं, क्या बातें हैं, वो हम बहुत कर चुके हैं इन प्रोग्राम्स में, इसलिए इसको भी हम नेक्स्ट एपिसोड पर छोड़ेंगे। दूसरी खबर ये है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि JIT की रिपोर्ट है मनी लॉन्ड्रिंग वाले मैसिव केस की, जो इसे कहा जा रहा है 130 से 35 अरब तक टच कर चुका हुआ है, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लिया जा रहा है, उनकी मशीरा का नाम लिया जा रहा है, और भी काफ़ी बड़े उस पार्टी के बिग विग्स का नाम लिया जा रहा है। वो भी अगर रिपोर्ट आ जाती है तो उस पर फिर एक फास्ट ट्रैक चीज़ें शुरू हो जाएंगी कि उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, क्या डायरेक्शन देती है, लॉ किधर जाता है, गिरफ्तारियाँ होती या नहीं होती। इन दोनों चीज़ों के बड़े ही लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस हैं पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे। मगर वायल जिसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में इट्स अ सेक्सी न्यूज़ स्टोरी, कुछ स्टोरीज़ ऐसी हैं जो खामोशी से पैरेलल चल रही हैं, लेकिन उनके भी पाकिस्तान के लिए शायद इससे भी बहुत बड़े असरात हैं। और उनमें से एक चीज़ है जो फास्ट डेवलपमेंट्स अफगानिस्तान में हो रही हैं। रिसेंटली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अमरीका और तालिबान डायरेक्ट निगोसिएशंस में बैठ गए हैं, और नवंबर से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हुई है। और आज हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि लग ये रहा है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में शायद कुछ ऐसे ब्रेक थ्रूज हो जाएं जिसके पाकिस्तान के लिए बहुत सीरियस इम्प्लिकेशंस हैं, बोथ गुड एंड बैड। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, मैं आपको क्विक पहले रन डाउन दे दूँ, पहले अपने गेस्ट का बल्कि रहा था, मैं पहले तारुफ करा देता हूँ फिर मैं आपको क्विक रन डाउन दे देता हूँ। स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, अयाज वसीर साहब, फॉर्म एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू अफगानिस्तान ऑल्सो, डॉक्टर मोहित यूसफ हमारे साथ हैं, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, अ बिग थैंक यू टू ऑल। नाज़रीन, वेरी क्विक रन डाउन, नवंबर 28, 2018 को अफगानिस्तान के प्रेजिडेंट अशरफ गनी ने एक 12 मेंबर कमेटी बनाई टू वो बातचीत करें तालिबान से, मगर साथ ही उन्होंने ये कहा कि किसी भी डील को होने में 5 साल ज़रूर लगेंगे उसके इम्प्लीमेंट वगैरह होने में। December 15, 2018 को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और चाइना के और इनकी अफगान प्रेसिडेंट से एक ट्राइलैटरल मीटिंग हुई, स्टैंडर्ड बातें वही हुई कि जी अमन लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन दिसंबर 19 को एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान UAE के अंदर हुई, और उसमें पाकिस्तान ने बड़ा रोल अदा किया, और हकानी नेटवर्क के भी सीनियर लोग उसमें शामिल हुए। और उसके बाद जब उसके बाद जो कम्युनिके निकला उसमें कहा कि जल्द ही ये दोनों पार्टीज़ दोबारा मिलेंगी, और वर्ड यूज़ किया टू कंप्लीट द अफगानिस्तान रिकंसिलिएशन प्रोसेस, कि जैसे बहुत ज़्यादा उसमें कोई एडवांसमेंट हुई है। मगर साथ ही 20 दिसंबर 2020 को प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि वो ट्रुप्स 7,000 ट्रुप्स निकाल लेंगे समर तक अमरीका से। उसके बाद आपने देखा जो डिफेंस सेक्रेटरी अमरीका के थे जिम मैटिस, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया, वो इस पॉलिसी से एग्री नहीं करते, वो चाहते वहाँ रहें। क्या होने जा रहा है, क्या होगा, इस पे हम बातें करेंगे। लेकिन आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो चली बड़ी इम्पॉर्टेंट है, आज ही अफगान प्रेसिडेंट साहब ने दो बड़ी मैसिव चेंजेस की हैं अपने सेटअप के अंदर। उन्होंने अमरुल्ला साले को इंटीरियर मिनिस्टर अपॉइंट किया है, और साथ ही उन्होंने असदुल्ला खलीद को अपना डिफेंस मिनिस्टर किया है। अमरुल्ला साले ये ताजिक हैं, ये अहमद शाह मसूद के साथ होते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफगान इंटेलिजेंस सर्विस हैं उसके 2004 से 10 तक उसके हेड रहे। जो असदुल्ला खालिद हैं ये पश्तून हैं, ये गवर्नर, ये भी NDS के हेड रहे, ये 2012 से 2015 तक ये गजनी और कंधार के गवर्नर भी रहे। और जब ये गवर्नर कंधार थे तो BBC ने एक रिपोर्ट भी चलाई थी जिसमें इन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि बहुत बड़ा टॉर्चर प्रेजेंट भी चलाते थे। लेकिन दोनों में एक चीज़ बहुत कॉमन है, दोनों का बड़ा स्टांस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, सख्त है। और इनमें ये हम भी किसान साहब कहते थे कि पाकिस्तान को तो टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। वजीर साहब, आई विल स्टार्ट विद यू वेरी क्विकली। एक तरफ डेवलपमेंट इधर चल रही, पहले आ गया कि जी अब ट्रुप से डॉर होगा, वो तो कह रहे हैं जलमे खलील ज़ादे के तो नीचे से कालीन खींच दिया है ट्रंप ने, वो कहते थे अमरीका रिजॉल्व है, हम नहीं जा रहे, साथ ही ट्रुप डाउन हो गया। लेकिन उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट, सॉरी, एक चीज़ और मैं नाज़रीन आप शेयर कर दूँ, जहाँ से ये प्रोग्राम को भी हमने डिसाइड किया था। एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छपी December 19 को, जिसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज़ ऑफिशियल जो से हैं ये फाइनल टचेस
कर रहे हैं एक सीक्रेट प्लान पे, जिसमें चाइनीज मिलिट्री जेट्स, वेपनरी और दूसरा हार्डवेयर बनाएगी और उसको पूरा सीपैक पे डाल दिया। और ये कहा कि जी ये मिलिट्री टर्न ले रहा है और चाइना की ग्रैंड स्ट्रेटजी इस इलाके के अंदर, जिसके अंदर वो मिलिट्री बेसिस बना रहा है। और श्रीलंका का भी एक एग्जांपल दे दिया गया कि श्रीलंका में एक उन्होंने बेस बनाई और उसमें इतना ज़्यादा डेट चढ़ गया, इतना उधार चढ़ गया श्रीलंका पे जो दे नहीं सकता था, और वो पोर्ट टेक ओवर कर ली इन्होंने, चाइना ने। तो ये एक बहुत लार्ज थिंग है। मेरा ख्याल है इसको ज़रा पहले शुरू कर लें ताकि ये जरा सी पैक से हम आ जाएँ। तो मैं थोड़ा सा कैमरे का फोकस शिफ्ट कर लूँ। जैन साहब, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ रिपोर्ट में उन्होंने जो एज एन आर्गूमेंट दिया, उन्होंने कहा जी आपको नज़र आते हैं पुल और ब्रिजेस वगैरह, सड़कें क्योंकि ये नज़र आता है, लेकिन उन्होंने एग्जांपल दी कि जो चाइना का बेदियू सेटेलाइट है, नेविगेशन सिस्टम, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसको उन्होंने उसको एक्सेस दिया हुआ, और से आपके मिसाइल्स और गाइडेंस प्रिसीजन बढ़ जाती है सब कुछ। क्या इसका मिलिट्री एंगल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मिलिट्री एंगल की बात उसने की है, वो कतन उसका वजूद इस शक्ल में अभी नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि सी पैक जो है, इस पे जितनी भी मूवमेंट मॉनिटर करनी थी उसमें अमेरिकन GPS सिस्टम यूज़ करने का था पहले। हाँ। लेकिन ये चूंकि एक फीलिंग डेवलप हुई कि अमेरिका और इंडिया ये सी पैक के ख़िलाफ़ हैं और ये सी पैक को सेबोटाज करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जो बाद में भी सी पैक को थ्रेट रहेगी, तो ये पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम कोई डिफरेंट सिस्टम यूज़ करें जिसमें कि इंटरफेरेंस ना हो सके या उसके ज़रिए मॉनिटरिंग ना की जा सके। लिहाजा ये चाइनीज़ से रिक्वेस्ट की तो चाइना ने उसके लिए सिविल सिस्टम की एक्सेस साहब को दी कि ये आप यूज़ करें, जो कि अभी यूज़ हो नहीं रहा, अभी ये इसका सिस्टम पूरी तरह से शुरू हुआ। तो ये जो बात है कि आपकी मिसाइल गाइडेंस वगैरह, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ एक ऐसे ही, ये भी मैंने भी पढ़ा था ये आर्टिकल, ये बहुत सारा कुछ जो है उसको ज़बरदस्ती थोपा गया हुआ है सी पैक के ऊपर, जबकि हमारी मिलिट्री कोऑपरेशन जो है वो चाइना के साथ इतनी पुरानी है और जितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का हमारा चाइना के साथ ऑलरेडी चल रही है कोऑपरेशन, उसमें कोई ऐसी नई बात मुझे नज़र नहीं आती कि आज ये हो गया तो लिहाजा बड़ा कोई तूफान आ गया या इनकलाब आ गया। हमें चाइना से हर टेक्नोलॉजी मिलती रही है जिसका भी हमें वक्त पर ज़रूरत रही है। और एयरफोर्स का तो है, आपने थंडर मिलके बनाया था, कहानी पे कहानी जोड़ी है, आप JF-17 पे तो नहीं बैठे रहेंगे, ठीक है, अगली जनरेशन का भी को आप करेंगे, तो लिहाजा चाइनीज के साथ तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसको जो एक इस पे एक और भी है, मैं दो तीन, मेरा अपना ख्याल है कि ये मिलिट्री एंगल्स, एक सिनिस्टर डिजाइन पीछे, मैं दो तीन मिलिट्री एंगल्स क्विकली इसमें ले लेता हूं। एक, उन्होंने इसमें ये भी फितना छोड़ा है कि नेवल बेस ग्वादर में बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं पोर्ट को, फिर इन्होंने श्रीलंका वाली पोर्ट है, इसी तरह एक दो और जगह इंडोनेशिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ये कल को मिलिट्री स्ट्रक्चर ये है कि ये नेवल ब्लॉकेट कर सकते हैं अगर कल को लड़ाई हो। क्या ये फिजिकली इस तरह अलाइंड है कि आप नेवल ब्लॉकेट चीन कर सकता है? ग्वादर जो है वो पाकिस्तान का भी नेवल बेस नहीं है, तो चाइना का कहाँ से आ गया ये? यानी एक प्योरली कमर्शल वेंचर थी जहाँ से कि आपने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड करनी है। हमारा औरमारा में है जो नेवल बेस है हमारा, कराची में है, ये कराची और ये इसका बहरहाल कराची के दरमियान भी एक जगह जहाँ है। लेकिन सोचने की बात ये है कि अगर वो नेवल बेस हो तो वहाँ पे डेवलपमेंट आप ये होटल्स और इस तरह की चीज़ों की डेवलपमेंट करेंगे, वो तो मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री वहाँ पे इंस्टॉलेशन। सो यू थिंक इट इज जस्ट जो हमेशा चाइना डिजाइन जो अमेरिका का मसला होता है उस पे, वो अल हबीबी या कोई जिसने ये लिखा है, मुझे लगता है कि ये खास उसको एक टास्क दिया गया है कि तुम इसका यूं जोड़ दो, जो कि बड़े भोंडे तरीके से जोड़ा हुआ है, यानी उसमें कोई एज सच इम्प्लीकेशन ऐसी ड्रॉ नहीं की हुई उसने, कोई ऐसी लिंकेज ड्रॉ नहीं की हुई जिससे आदमी कहा जाए कि वाकई इसी पैकेज। मैं इस पर मोहित को भी ले लूँगा, देन आई विल मूव टू अफगानिस्तान इशू। मोहित, आप अमरीका में ही होते हैं सारा, बड़ी यू अंडरस्टैंड दैम वेरी वेल, एक चीज़ बताएं, बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स जो सा है ये कोई रैग मैगजीन नहीं है, ये बड़ी सीरियस इन्वेस्टिगेटिव पीसेस करता है, इन्फ्लुएंस बहुत है, इन्फ्लुएंस ठीक है जनरल साहब होगा, लेकिन ये अपने फैक्ट्स पे काफी स्ट्रांग होते हैं, कितना सीरियसली इस पीस को लेना चाहिए? बिकॉज इंडियन मीडिया ने तो उसको बहुत उछाला है। देखिए मलिक, एक तो खैर इंडियन मीडिया का रिएक्शन तो हैरान को नहीं है, जाहिर बात है अगर ऐसी कोई चीज आएगी तो वो तो उसको यूज करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स,
मेरे नज़दीक टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं होता, मतलब कि बिल्कुल ही एक मनगढ़ंत कहानी जो है वो किसी को कहा और उसने कहा जी बिल्कुल जूं कि तू मैं लिख दूं। बहरहाल ये वाजे है कि ये एक प्री मेच्योर पीस है। ये ज़रूर है, आप सहाफ़त को मेरे से बेहतर जानते हैं, जब एक एंगल हो, एक अमेरिका और चाइना का एंगल बिल्कुल वाजे है इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स में, तो उसमें अगर आपको को 5% भी चीज़ नज़र आए तो आप उसको 50% बना लेते हैं लिखते हुए, क्योंकि वो उस एंगल को सपोर्ट करती है जो आपका कन्वेंशनल विजडम चल रहा है। तो जैसे अभी जनरल साहब ने कहा, इनके पास फौजी तौर पर तो मालूमात मेरे से ज़्यादा होंगी, लेकिन बहरहाल अमेरिका में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका तमाम फोकस जो है वो चीन के ऊपर है, और वो जो डिफेंस स्ट्रेटजी की बात है कि चीन अब एक नया हरीफ है, वो बड़ा सीरियसली उसको लेते हैं। तो डे इन डे आउट जो लोग इस चीज़ पे काम करते हैं वो कोई छोटी मोटी चीज़ भी कहीं हो तो उसको वो एम्पलीफाई करना जो है वो मेरे नज़दीक पॉसिबल है। तो मुझे तो ये पीस प्री मेच्योर लगता है क्वाइट फ्रेंकली। बाकी इस वक्त क्या हो रहा है और हकीकत बिल्कुल ग्राउंड पे क्या है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने इस पर भी तहकीक नहीं की। यू आर राइट मोहित, क्योंकि जब मैं पीस पढ़ रहा था इसमें कोई क्वालिटी की सोर्सेज नहीं थी, और इवन जो एक कॉमेंट भी लिया हुआ था कि प्रिसिलिया मोरेची है वो भी डायरेक्टर ऑफ सम स्ट्रेटेजिक थ्रेट डेवलपमेंट Recorded future company, कोई सवाए स्टेटमेंट के जी ये अल्टीमेटली ये बंदरगाह जो है ये आपकी पोस्ट मिलिट्री, इसके अलावा और कोई, देखें जहाजों का काम पहले से ही हो रहा है, वो आज से 15-20 साल पहले। वेरी क्विकली आई हैव गॉट जलील अब्बास जलानी विद अस ऑन द लाइन आल्सो, ये फॉर्मर एम्बेसडर टू यूएस थे, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जलील साहब। जी वालेकुम सलाम। वेरी क्विकली इफ आई रिमेंबर करेक्टली आपने तो सीपैक पे साइन भी किए थे पाकिस्तान की साइड से थे, और फिर आप इन निगोसिएशंस में भी शामिल रहे 2011 ऑनवर्ड्स। वेरी क्विकली ये बताएं, ये जो वॉशिंगटन न्यूयॉर्क टाइम्स का पीस है जिसके ऊपर इंडिया में बड़ी लेदे हो रही है, क्या कोई मिलिट्री एंगल करेंटली कोई हिडन कोई अदर है या कभी डिस्कशन में आया कोई या इसकी पॉसिबिलिटी? मालिक साहब, इस जो ये आर्टिकल का जिसका आपने जिक्र किया है इसको मैं तो देखूंगा उस तनाजर में जिस तनाजर में एक प्रोपेगेंडा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से मुतालिक हो रहा है। ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा भी है, और उसमें आपने देखा होगा कि पिछले कोई 2 साल से अमेरिकन्स और वो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया और जापान वो ये आ गए हैं अपना इसकी जो ओपन एक तरीके से जिस तरह से मुखालफत हो रही है उसमें, और उसमें तरह तरह की एजेंसी है, एक गैर जिम्मेदाराना बातें भी की जा रही हैं। आपने सही फरमाया कि मैं इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की निगोशिएशन में भी शामिल था, और मई 2013 में जब इसका अग्रीमेंट साइन हुआ तो ये अग्रीमेंट वो जो चाइनीज प्रेमियर पाकिस्तान में आए थे मई में, और उसमें उस वक्त मैंने ही ये एग्रीमेंट भी मैंने साइन किया था विद दी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। चूंकि मैं उस निगोशिएशंस का हिस्सा रहा हूं, कभी भी किसी भी वहां पर इसका इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मिलिट्री एंगल नहीं आया। बल्कि अगर आपको याद हो, मैं ये भी चीज बताता चलूं कि जब गवादर पोर्ट बनी तो उस वक्त गवादर पोर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो दिया गया सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी को, और अब आपको मालूम है कि सिंगापुर के और चाइना के भी अपना इख्तलाफात रहे, लेकिन चाइना ने कभी भी पाकिस्तान के इस फैसले को उन्होंने उसको कोई तनकीद का निशाना नहीं बनाया या उसके ऊपर रिजर्वेशन एक्सप्रेस नहीं की। बल्कि बाद में जब हमने सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी से उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस लेके, क्योंकि उन्होंने कोई उसके ऊपर खास काम नहीं किया था तो वो चाइना को दिया, तो उस वक्त भी उनके साथ काफी निगोशिएशन के बाद दिया। अगर उनका कोई मिलिट्री एंगल होता या तो वो फौरन ही तैयार हो जाते या वो शुरू से ही कह देते कि जी अपना गवादर चूंकि वो बनाया है हमने बनाया है तो उसका इंतजाम भी हम ही संभालेंगे, लेकिन इस किस्म की कोई बात। तो आप ये कह रहे हैं कि ना कभी कोई मिलिट्री प्रॉस्पेक्ट्स बिहाइंड क्लोज डोर्स डिस्कस हुए, ना कभी उसकी बात हुई, है टोटली एक सॉर्ट ऑफ काइट फ्लाइंग का स्पॉन्सर्ड पीस है। जी 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 बिल्कुल, इट्स एक स्पॉन्सर्ड पीस, उसमें तो कोई इसमें शक व शुबे वाली बात है ही नहीं। जलील साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यार साहब आ जाए अफगानिस्तान वाली चीज में। एक तरफ लगा बड़ी ज्यादा चीजें डेवलप हो रही हैं, बड़े फास्ट पेस पे बातें हो रही हैं, और हमें डू मोर के बजाय हेल्प अस मोर पे हम आगे, सारा कुछ हो गया।
आज जो दो अपॉइंटमेंट्स आई हैं ये बता रहे हैं कि अशरफ गनी साहब तो टोटल दूसरे ट्रैक पर चल पड़े, मतलब ये ऐसे हार्ड लाइनर्स लगाने का क्या मकसद है ऐसे ऐसे टाइम पे? अशरफ गनी जाहिर बात है हर वो कदम उठाएगा जो अपनी हुकूमत अपनी सिक्योरिटी के एंगल से वो समझता हो कि ये बेहतर है। इस टॉक्स में तो न उनको शामिल किया गया न उनके साथ बात हुई अबू दहाबी में, हालांकि उनके लोग आए थे, इनडायरेक्टली दी होगी इतला बाकी लोगों ने, सऊदी ने, यूएई ने या हमारे लोगों ने, लेकिन तालिबान से डायरेक्ट बात नहीं हुई। तो बातचीत तो तालिबान और अमेरिकन हुकूमत के दरमियान हुई है। अमेरिका और तालिबान का आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है वो जो अंदर वाली बात है वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं एक चीज़ से अंदाज़ा लगाता हूँ कि हमारी हुकूमत का जो रिएक्शन आया है अमेरिकन फोर्सेस के विथड्रॉल पे वो पिछले रिएक्शन से मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में भी और फिर इमरान साहब जब आ गए तो दोनों अदवार में ये बात कही जा रही थी कि अमेरिकनों को नहीं निकलना चाहिए जब तक कि वहाँ स्टेबिलिटी ना आए, वरना फिर मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अब इस मरतबा कल जो बयान आया था वो उससे ज़रा मुख्तलिफ था। तो मैं समझता हूँ इससे इस फ़र्क से कि शायद अबू दहाबी में कोई अंडरस्टैंडिंग जो अभी ऐलान नहीं हुआ है अमेरिका और तालिबान के दरमियान हुआ है कि अमेरिका वहाँ से निकलेगा, बिकॉज दिस वॉज ये सबसे बड़ा शर्त तालिबान का यही था कि अमेरिका अफगानिस्तान से पूरे का पूरा निकल जाए। तो अमेरिका ने आधी कुव्वत का तो ऐलान कर लिया, 7,000 निकलेंगे विद इन अ मंथ, बाकियों का भी ऐलान नहीं किया, शायद आपस की अंडरस्टैंडिंग हो। जनरल साहब जो मैं समझूंगी बात वो ये कह रहे हैं कि ये जो हम चले गए यूएई वगैरह के स्टांस की तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली, क्या ये रिसेंटली ये तो नहीं हुआ कि जो हमारे इकोनॉमिक हेल्प भी आई है सब कुछ, क्या ये $3 बिलियन तो हमारी रीशेप नहीं कर रही फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान पे? बिस्मिल्लाह, नहीं ऐसा नहीं है। ये इस तरह है कि ये दो तीन मुल्क थे जिन्होंने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को रिकग्नाइज़ किया हुआ था, सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान। तो ये गालिबन तालिबान की तरफ से ये थी कि सोच के ये जो मुल्क जिन्होंने उस वक्त हमें रिकग्नाइज़ किया हुआ था वो आज एक लीड रोल लें। जो सूरत हाल अब है वो ये है कि 7,000 वाले ट्रिप्स का अभी तक अमेरिका ने ऑफिशियल ऐलान नहीं किया। ये CNN पे उन्होंने ख़बर दी है अपने एक पेंटागन के किसी ऑफिसर के रेफरेंस से, और मोस्ट प्रॉबली इस स्टेज पे उन्होंने सिर्फ एक मैसेज दिया है तालिबान को, गो कि ट्रंप की अपनी ये पॉलिसी भी है। और ट्रंप की पॉलिसी में ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि ट्रंप ने जब कैंपेन में तो कहा था उसने अपने कि जी मैं ट्रंप सारे निकालूंगा, लेकिन बाद में 3,000 फालतू भेजे, उसमें उसने पेंटागन को टाइम दिया था क्योंकि पेंटागन कहती थी कि जी हमारा वहाँ से निकलना मुनासिब नहीं। तो इन्होंने गालबन उसको एक साल का टाइम दिया था कि ये एक साल में या तो सूरत इम्प्रूव करें या फिर हम विड्रॉल करें। तो ट्रंप ने भी अपना एक तरह की वार्निंग दे दी इनको भी, और तालिबान का जो मतालबा है उसकी तरफ भी एक दे दी, लेकिन अभी तक उन्होंने ना अपने बेसिस को लिफ्ट करने का कहा है ना ही कम्प्लीट एविक्शन का कहा है। अगर नेटो के ट्रुप्स भी रहते हैं तो 10,000 फिर भी वहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे उनके ट्रुप्स। ये जो चीज़ है ये मोस्ट प्रॉबली उस लिहाज से एक स्टेप फॉरवर्ड है कि तालिबान को पहली दफ़ा एक मैसेज दिया गया है कि हम सीरियस हैं बातचीत के मामले में। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका कभी बेसिस वहाँ से उठाने पर राज़ी होगा। उसमें वजह उसकी बुनियादी ये है कि 8 बेसिस हैं जिनमें से 3-4 इतने बड़े और बगराम का सबसे बड़ा बेस है, वो परमानेंट नेचर के इंस्टॉलेशन हैं वहाँ पर। और फिर जब आपने नेशनल स्ट्रेटजी पेपर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पेपर इशू किया था, फिलीपींस में भी इतनी बड़ी बेस थी, चले गए तो चले गए, नहीं क्या वो ठीक है, लेकिन ये बड़ा रिसेंट है ना कि पिछले साल इन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पेपर इशू किया और एक साउथ एशिया पॉलिसी पेपर इशू किया। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पेपर में उसने कहा जी कि चाइना और रशिया अब हमारे एडवर्सरीज हैं, हमने इनको अब यहाँ चाइना की थ्रेट वो कहते हैं जी बेसिकली इकोनॉमिक थ्रेट है कि अगले 2-3 साल में वो नंबर वन इकॉनमी बन सकते हैं, अगर बन गए तो अमेरिका रेलीगेट हो जाएगा पीछे, लिहाजा CPAC उस किस्से में बड़ा एक वाइटल चीज़ नज़र आती है। सो वहाँ यहाँ बैठ के तो फिर भी कोई प्रॉब्लम कर सकते हैं, वो तो नहीं कर सकेंगे। 2-3 सवाल उठ गए हैं इस पे। मैंने एक ब्रेक पे जाना और मोहित में पहला सवाल आपसे भी छोड़ा जा रहा हूँ। एक तो आज वॉशिंगटन पोस्ट में भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने 3 सवाल उठाए हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि जी फिर अगर ये पुल आउट होता है
तो पीस टॉक्स का क्या होगा? ये तो अभी शुरू ही हुई थी और जलमे खलीलजाद के नीचे से रख खींच दिया ट्रंप ने, क्योंकि वो तो कह रहे थे अमेरिका नहीं जा रहा, बस फाइनल फैसले करो, तो अब तो उनको विड्रॉल नज़र आ रहा है, तो अब वो दोबारा ये प्रोसेस रुक जाएगा। और दूसरा कि उन्होंने कहा कि अगर ये पुल आउट करता है तो क्या वहाँ का निज़ाम नहीं गिर जाएगा? क्या जिस तरह नजीबुल्ला सोवियत पुल आउट हुआ और नजीबुल्ला के अगेंस्ट सारे वॉरलॉर्ड्स स्ट्रॉन्ग हो गए, पहले ही इतनी डिफेक्शंस होती हैं, ये शायद यूनिटी गवर्नमेंट भी गिर जाए, शायद ये और डिफेक्शंस हो फौज से, तो ये क्योस अनलीश होगा। मेरा सवाल जो तीनों पैनलिस्ट से होगा आने के बाद, अगर पुल आउट होता है और जल्दी निकलता है जब तक पॉलिटिकल सेटलमेंट के बगैर अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान का क्या होगा? हमारी रेलेवेंस अमेरिका के साथ कम हो जाएगी, रीजन में क्या होगा, वहाँ अमन, या अगर वहाँ पे एक मल्टीपल पार्टी सिविल वॉर होती है तो उसका खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना है। अगर एक सेटलमेंट के बगैर अमेरिका निकलता है, क्या यह पाकिस्तान के लिए अच्छा है या बुरा है? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। जी मोहित, ब्रेक से पहले मैं ये सवाल छोड़ के गया था कि अगर वहाँ पे पीस निगोशिएटेड सेटलमेंट के बगैर ट्रूप्स ड्रॉ डाउन हो जाता है, ये सारा एक मल्टीपल पार्टी सिविल वॉर टाइप सिचुएशन बन जाती है, दो सवाल, क्या कन्फ्यूजन है अमेरिकन पॉलिसी में? टिपिकल ट्रंप एक्शन है कि एक तरफ जलमे खलीलजादे को भेजा हुआ है, दूसरी तरफ से आपने पोजिशन ऑफ वीकनेस शो कर दी ट्रूप विदड्रॉल की, या चीज़ें तय हो गई हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है सिचुएशन में? देखिए, अगर आप मुझे मौका दें मालिक, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर दूं कि जो मैंडेट जालमे खलीलजाद साहब को मिला था वो जल्द अज जल्द हल निकालने का था, और अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी जो इतनी कोशिश अब कर रही है एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की, और अप्रैल की बात हो रही थी और बल्कि लोग कह रहे थे कि थोड़ा आहिस्ता होना चाहिए, वो बहुत जल्दी में है, उसकी एक वजह शुरू से ये थी कि सदर ट्रंप ने अपनी साउथ एशिया स्ट्रेटजी से पहले ये बात की हुई थी कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक फाइटिंग सीज़न, डेढ़ फाइटिंग सीज़न जो भी वो मांग रहे थे उसमें वो कहते थे खातर खा तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी अमेरिका की पोजीशन में, वो नहीं आई। तो वाशिंगटन में बारहा ये बात हो रही थी पब्लिक सेक्टर में, कम अज़ कम पब्लिक हलकों में, थिंक टैंक्स वगैरह में, कि ये कहीं मामला ऐसा ना हो कि कोई ट्वीट आए किसी दिन और ये तमाम जो है वो अपनी इनखला का ऐलान करें और मामला ख़त्म हो जाए, तो ये डर पहले से मौजूद था। अब जो अनाउंसमेंट हुई है, ये जनरल साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई, मुझे कोई शक नहीं कि पसे पर्दा फिर से एक बातचीत हो रही होगी इंटरनल सिस्टम में कि यहाँ से निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जाहिरी बात है इस पे इख्तलाफ है अमरीकी सिस्टम में। ये जो अनाउंसमेंट है मेरे नज़दीक ये यूएई की मीटिंग के बाद एक सिग्नल है तालिबान को, क्योंकि देखिए तालिबान ने अपने फाइटर्स को भी सिग्नल करना है कि हम सेल आउट नहीं कर रहे, हम जो बातचीत कर रहे हैं उससे हमें कुछ मिलेगा, और मिलना यही है कि इनखला होना है। हकीकत में कोई फैसला ऐसा नहीं हुआ अमरीकी सिस्टम में कि इनखला होना है, या इस अनाउंसमेंट के बाद, या ये जो बात हुई है कि इसके बाद जल्द ही सारी फौजें निकल जाएंगी, ऐसा मेरे नज़दीक अभी नहीं होने वाला और मुमकिन नहीं है, बल्कि शायद आपको ये नज़र आए कि ये जो 7000 की स्टेटमेंट है इस पर भी कोई थोड़ी बहुत एक क्वालिफिकेशन आ जाए, को बैक ट्रैकिंग हो। तालिबान खुद मेरे नज़दीक इस वक्त ये बात नहीं कर रहे अमेरिका से कि आप कल तमाम फौजें निकाल लें, याद रखिए उनको भी ये डर है कि अगर वो पॉलिटिकल लिजिटमेसी हासिल कर भी लेते हैं, इनखला होता है, खाना जंगी की तरफ बात जाती है, तो 90 की दिहाई की तरह वो टेक ओवर नहीं कर सकते अफगानिस्तान को। तो मेरे नज़दीक ये स्टेटमेंट ज़रूर आई है वो CNN के ज़रिए, लेकिन अभी आप इसमें और पेचीदगी, लेकिन मोहित एक बात बताएं, एक और जो आज मैंने अपॉइंटमेंट्स का दो जिक्र किया डिफेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर का, तो इससे मतलब नजर आता है कि अशरफ गनी मैं उसी पे आ रहा हूं नहीं इंटरेस्टेड।
मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए ये टग ऑफ वॉर पहले से शुरू हो गई थी, क्योंकि जब अमेरिका ने ये फैसला किया है कि जल्द अज जल्द एक पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहिए, तो जाहिर बात है अशरफ गनी साहब का कंट्रोल तो कम होता जाएगा, क्योंकि जो अफगान इलीट हैं उनमें से बहुत ऐसा सेटलमेंट बहुत जल्द नहीं चाहते। फिर ये बातें शुरू हो गई कि इंटरिम अरेंजमेंट कोई कर लें, इलेक्शन के बजाय कोई ऐसा इंक्लूसिव बॉडी बनाएं। तो जो जनीवा में अशरफ गनी साहब ने अनाउंसमेंट करवाई थी अपनी टीम की, वो तो पार्ट टाइम टीम थी, उनके सारे हुकूमत के अहदेदार हैं जो उन्होंने कहा ये इस प्रोसेस को आगे चलाएंगे, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते इस प्रोसेस का। और जो अपॉइंटमेंट्स आज हुई हैं उससे ये बिल्कुल वाजे है कि अब एक दरार आ गई है जो अमरीकी पोजिशन है, या कम अज़ कम जालमे खलीलजाद साहब जो कोशिश कर रहे हैं, और गनी साहब की टाइम लाइन की। तो अब आप और कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, और मेरे नज़दीक आपको अब ये नज़र आएगा कि अफगानिस्तान के अंदर से आवाज़ें आएंगी कि जी हमें तो आइसोलेट कर दिया, हमें एक्सक्लूड कर दिया, हम तो शामिल ही नहीं हैं, हम तो इसको कबूल नहीं करते और हमारी ओनरशिप नहीं है। तो पॉलिटिकली अफगानिस्तान में और मसाइल अभी पैदा होने वाले हैं। मेरे नज़दीक जो पाकिस्तान ने, इसका आपने दूसरा सवाल पूछा था, पाकिस्तान का जो मौकफ सामने आया है कि जी नहीं ये अच्छा है, इससे पीस को फ़ायदा होगा, वो भी यूएई की मीटिंग के बाद कोई ना कोई उसमें ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बट ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान ना तो ये चाहता है, ना पाकिस्तान के मफाद में है कि अमरीकी तमाम अपनी फ़ौजें ले कर यहाँ से अगले 2-4 माह में चले जाएँ, क्योंकि जो खाना जंगी उसके बाद होगी वो सारा, जिस तरह आपने कहा, स्पिल ओवर तो पाकिस्तान पर आना है। तो ना तो मुझे लगता है वो होना है, और ना ही अभी कोई फैसला हुआ है, अभी कबलस वक्त है ये कहना कि अमेरिका में मुकम्मल फैसला हो गया। हाँ ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह ये अनाउंसमेंट हुई है उससे लगता यही है कि जालमे खलील साहब के पैरों के तले वो रग जो है वो उनसे पुल आउट कर ली गई है। लेकिन अभी वेट कीजिए, अगले 2-4 दिन में आपको इसकी और एस्पेक्ट्स नजर आएंगे, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। याद साहब ये बताएं, क्या परफेक्ट क्योस से जो सख्त है एक इम्परफेक्ट पीस पाकिस्तान को सूट करती है? अगर टूटी फूटी पीस होती है, और जो हमारा एक ऑब्सेशन भी है इंडिया का, कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है, अगर आज एक कोई तालिबान से अरेंजमेंट होती है, अमेरिकन जल्दी निकल भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई एक लूज कोलेशन बनती है, क्या वो पाकिस्तान के हक में है कि नुकसान में? देखिए अफगानिस्तान में अमन मेरे अंदाजे में आ ही नहीं सकती जब तक कि तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो। अमेरिका भी तो उसी की तरफ कोशिश कर रहा है, जो बातों में लगा है कि इन दोनों का फाइनली बिठा के ये मामला। गनी साहब इंटरेस्टेड नहीं लग रहे, क्लियर नजर आ रहे हैं कि गनी साहब इंटरेस्टेड नहीं, ये ना इस पे ना जाए प्लीज, ये उसे अलग रखे बातचीत वाली। अगर उनसे बात हो गई, अमेरिका ने ये तय करा लिया कि आप दोनों बैठ जाए, मैं भी साथ बैठता हूँ, फिर गनी भी बैठेगा, गनी की हुकूमत भी बैठेगी, वो चाहेंगे कि एक दोनों मिल के एक सेटअप बना ले। लेट्स नॉट फॉरगेट के अप्रैल में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं, और अमेरिका की हर कोशिश होगी कि उससे पहले दोनों की कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले, कि या तो इंटरिम सेटअप आ जाए जिसमें ऑब्वियसली तालिबान चाहते हैं कि हमारा हेवी पोजीशन हो, या फिर किसी ऐसे आदमी पर राजी हो जाए दोनों तरफ कि वो इंटरिम पीरियड के लिए हुकूमत चलाए, और उसके नीचे इलेक्शन प्रेसिडेंशियल हो जाए, तो फिर वो आइंदा के लिए पायदार अमन का एक पक्का किस्सा होगा, दोनों मुत्तफिक होंगे। इसके अलावा कोई भी तरीका आप कर ले, कभी भी पायदार अमन नहीं आ सकता। अफगानिस्तान में अमन नहीं है तो आपके लिए भी खैर नहीं है, अफगानिस्तान उनका आपस में इस तरह कोई अमन लाना आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा जो मैं समझता हूँ वो हिंदुस्तान का भी, जाहिर बात है अब तो खुली मैदान उसको मिली है, वो जगह भी उसके लिए तंग हो जाएगी, और दूसरा आपका सीपेक वाला जो सिक्योरिटी एलिमेंट है वो बहुत हद तक वो खदशात कम हो जाएंगे। अब कह दिया कि हाँ अगर आप निकलते हैं निकले, लेकिन ये अंडरस्टूड बात है कि अमेरिका न उससे पहले निकलेगा और न निकलना चाहिए जब तक के तालिबान और अफगान हुकूमत को बिठा के किसी चीज पे राजी न कर ले। जब वो राजी हो जाए तो उसके बाद मुख्तसर सी उसकी फौज अगर रहती है बेसिस मेंटेन करने का, तो इस तरह तो जर्मनी में भी है, जापान में। ये बताएं, जो अमेरिकन सपोर्ट के बगैर तो अफगान प्रेसिडेंट साहब चल नहीं सकते, ही कांट सर्वाइव इन पावर, जो सीधी सी बात, इसलिए वो एक हद तक की कुछ ना कुछ हरकत होगी सब कुछ। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्या है कि अशरफ गनी प्रेसिडेंट इलेक्ट हो, री इलेक्ट, कि एक नया बंदा है, कि इट इज़, जिस अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज़ बेटर टू नो द डेविल देन द अननोन। नहीं,
पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली है उसमें उन्होंने कहा है जी कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है, ये अफगान आवाम का फ़ैसला है, वो जिसको मर्जी इलेक्ट करें, एक चीज़। और दूसरी तरह तालिबान भी उनके साथ बैठ के, जो भी इलेक्टेड लोग हों उधर उनसे बैठ के अपने मामला तय करें, ना तालिबान हमारे फेवरेट होंगे ना और ना हम फीड करेंगे कि इनको क्या फ़ैसला करना चाहिए। वो तो कहने की बातें हैं ना, न्यूट्रल फेवरेट तो है हमारे, इसमें तो कोई शक नहीं है आपकी पॉलिसी में। नहीं, बात ये है कि भारसूरत वो कहते हैं दे आर द बैड बॉयज, वो कहते हैं बट दे आर बैड बॉयज, उनके वो लॉजिक चलती है ना। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यही है कि आप हर किसी के साथ तो नहीं लड़ सकते। अगर हम वहाँ पर आप अपनी चेक पोस्ट ना लगाएं और तालिबान की आना जाना जारी रहे तो आप ये कहेंगे जी हम रोके, हम आपकी जंग तो नहीं लड़ेंगे। ये तो उनको, हमारे भी लोग जो उधर जाते हैं उसकी वजह बुनियादी यही है कि इन्होंने अपने साइड पे चेक, हम बॉर्डर जो मैनेजमेंट का किस्सा है वो इतनी दफ़ा एग्रीमेंट कर चुके हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग का एग्रीमेंट का इनसे करने का कहा, आखिरी दिन आके सैबोटाज कर दिया। तो ये किसने, अफगानियों ने। हमारा जिस दिन साइन होना था, हनीफ अतमार उस वक्त था इनका, जिस दिन साइन होने थे उस दिन उसने इनकार कर दिया। कब की बात है, किस साल की? ये कुछ डेढ़ दो साल पहले की बात है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कि इनसे कोई एग्रीमेंट तय हो जाए, उसमें इंडिया टपका। उन्होंने कहा जी कि इसमें बलोच सेपरेट्स का निकलवाएं, क्योंकि एग्रीमेंट में ये था कि बलोच सेपरेट्स के बारे में उनकी मूवमेंट जो है वो उसके बारे में भी अफगानी हमें इतला देंगे, हम हर तरह के तालिबान हकानी शिकानी सबकी इतला देंगे। लेकिन उन्होंने, इंडियंस ने उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके तो उनको कहा वो अगले दिन दस्तखत। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, DGISI यहाँ से दस्तखत करने जा रहा था जी जी, और वो रुक गया। अच्छा, अब मैं एक और जो चीज़ आपको बताने लगा वो ये है, हमारा एक्चुअल मकसद ये है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी है जो अयाज साहब कह रहे हैं, उसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं है। लेकिन इंडिया स्पॉयलर है, अगर तालिबान के साथ एग्रीमेंट हो जाते हैं, तय हो जाता है मामला, तो इंडिया और नॉर्दर्न अलायंस का इन्फ्लुएंस वहाँ बड़ा कम हो जाएगा। इनकी थ्रू आउट जो स्ट्रेटजी रही है, ये जो गुड और बैड तालिबान का जो किस्सा था, ये इंडियंस ने चलाया था। वो ये कहते थे कि जी इन तालिबान को भी ख़त्म करना है, अफगानियों को, और आज भी उनका स्टांस ये था कि इनको लड़के मारना चाहिए, जो कि अमेरिका थक गया, अफगानियों की भी बड़ी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। लिहाजा आज भी इंडिया जो है वो एक दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहा है, और जो आपने दो अपॉइंटमेंट्स की बात की आज अफगानिस्तान के, वो भी मैं जो अमेरिका की उजलत देखी आपने, सडनली वो आ गए बड़ा के जी बातचीत बड़ी जल्दी है, वो अनवमेयर जो मॉस्को प्रोसेस था उससे, कि ये इनिशिएटिव हमारे हाथ से निकल जाएगा। और ये, और अभी मुझे ये लगता है कि अमेरिका, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान तो ये एक तरफ लग गए इस काम पे, और आप देखेंगे कि अमर साले वगैरह जो है ये मॉस्को के साथ प्रोसेस में चले जाएंगे, और मॉस्को प्रोसेस जो है वो दूसरी साइड पे इंडिया, रशिया, नॉर्दर्न अलायंस और ईरान उसमें शामिल होकर वो प्रोसेस चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्चुअल इंटरेस्ट उनके हैं। वो डरे हुए हैं ISIS की प्रेजेंस से, जिसके बारे में अमरीका बात नहीं कर रहा, और जो ISIS है वहाँ पे वो मेनली चेचनिया और दागिस्तान से गए हुए लोग हैं, जो जाके सीरिया में लड़े हैं लेकिन वापस आने शुरू हो गए, इधर वापस ले आए, और अमेरिकन ने अपने खुफिया जहाज़ों में उनको, वो कहते हैं जी ये शक वो जाहिर कर रहे हैं कि अपने बग़ैर मार्किंग के जो हेलीकॉप्टर से उनके ज़रिए उनको आगे लेके गए हैं। ये चीज़ें जो शकूक रशिया उठा के बैठा हुआ है और ईरान उठा के बैठा हुआ है, वो क्या पाकिस्तान पे छोड़ देंगे कि जाएं आप जो चीज़ें मामला शामिल? इस पे आज एक आर्टिकल छपा हुआ है, ये मुनीर अकरम साहब ने लिखा हुआ है, फॉर्मर एम्बेसडर टू द UN, पाकिस्तान फॉर्मर पाकिस्तान की रेलेवेंस कम हो जाएगी जब भी अफगानिस्तान में कोई सेटलमेंट होती है, तो क्या पाकिस्तान की पॉलिसी अपनी सोची है? वो तो खैर दूसरा सवाल है, लेकिन उन्होंने एक और कहा कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अफगानिस्तान रिलेटेड, इसमें साइमल्टेनियसली अमरीका, चाइना, रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इन सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो मे बी वक्त आ गया कि एक कॉन्फ्रेंस कॉल की जाए जिसमें सारे स्टेट्स इन्वॉल्व हों और मेजर अफगान पार्टीज भी हों, और वो भी हैमर आउट करके एक सेटलमेंट तो चल सकते हैं। ये क्या इज दिस अ पाइप ड्रीम की ये पॉसिबिलिटी है? आई एम आस्किंग यू फ्रॉम द अमेरिकन पर्सपेक्टिव ऑल्सो, कि अमेरिकन इस किस्म की चीज को या प्रपोजल को कैसे देखेंगे? देखिए, पहले तो जो बात है, मैं एक बात वाजे कर दूं कि मॉस्को प्रोसेस तो मैंने इतना अमेरिका में कोई उनका अननर्विंग नहीं देखी। ये जो जालमे खलीलजाद साहब की अपॉइंटमेंट, उससे पहले हो चुकी थी, और आई वाज देयर टू विटनेस कि ये मामला उससे पहले काफ़ी ज़ोर पकड़ रहा था, और उसकी असल वजह मैं आपको बता चुका हूँ। मेरे नज़दीक
क्योंकि अमरीकी सदर का जो है असल में दिल इस चीज़ में नहीं है और वो ब्यूरोक्रेसी को भी मालूम है और जो हालात हैं ग्राउंड पे उसकी बिना पर वो एक कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी पॉलिटिकल सेटलमेंट आ जाए वो बेहतर है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है अमरीका से, देखिए दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये असर रसूख कम होने वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान की रेलिवेंस कम होगी। असल प्रॉब्लम ये है मालिक कि अभी तक पिछले 1.5 साल में अमेरिका और पाकिस्तान का जो बायलैटरल ताल्लुक है वो तो बिल्कुल डेड है। जो बात हो रही है वो सिर्फ अफगानिस्तान पे हो रही है और दोनों ममालिक को मैं आपको ये भी बताऊं कि एक्चुअली पता ही नहीं है कि जिस दिन ये अफगानिस्तान का मामला ऊंट जिस करवट भी बैठा उसके बाद ताल्लुक चलाना कैसे, बिकॉज जो डीमोनाइजेशन है एक दूसरे की उनकी यहाँ और हमारी वहाँ पर और जो इस वक्त मिसट्रस्ट है इस ताल्लुक का, जो ब्यूरोक्रेसी जितनी नाला है दोनों तरफ, ये एक मिरेकल आपको मोजा चाहिए इस ताल्लुक को बचाने के लिए जब ये अफगानिस्तान का मामला खत्म हो। बट वेरी क्विक फॉलो अप ऑन दिस, जो अमेरिका का ऑब्सेशन है उन्होंने तो उसको डिक्लेयर कर दिया है स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी चाइना को, हम स्क्वेयरली चाइना के कैंप में है। जो रईस एक असर थी सी पैक ने पूरी कर दी, फिर हमारी डिफेंस टाइज जो है इंडिया और अमेरिका स्क्वेयरली एक कैंप में है और लार्जर फ्रेम ऑफ थिंग्स में भी हम अब दुश्मन कैंप में पड़ गए। क्या पाकिस्तान को कोशिश भी करनी चाहिए अमेरिका से बायलैटरल किसी और कॉस्ट पे कि पाकिस्तान को अब खुल के चाइना वाइना और इसी रीजनल ब्लॉक में आ जाना चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक वी कैन एवर डू समथिंग दैट इज इनफ फॉर द अमेरिकंस। मालिक दो बातें मैं आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ, मेरा बिल्कुल आपके सवाल से इख्तलाफ, मुकम्मल इख्तलाफ है। देखिए पहली बात, सर जंग के बाद से वो ममालिक अपनी खारजा पॉलिसी सही तरह चला सके हैं और अब फ़ायदे में रहे हैं जो वन वर्सेस दी अदर कैंप में नहीं गए। वो कोल्ड वॉर की सोच थी, मल्टीपल कैंप्स में जो मुल्क इस वक्त है, आप कहते हैं इंडिया जो है वो अमरीका के मुकम्मल कैंप में, $80 बिलियन का ट्रेड है चीन और हिंदुस्तान का, रूस के साथ अभी भी हिंदुस्तान का ताल्लुक अमेरिका से बेहतर है। दूसरी बात यह कि इसका सबसे सिंपल उस जवाब तो चाइना भी लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका का, बट दैट हैज नॉट स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग टू फॉर ईच अदर। एक सेकंड मेरी अर्ज सुन ले, मेरी अच्छा इसमें बहस होनी है आपके व्यू पॉइंट पे, जनरल साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक, फिर यहीं से मैं तीनों को इसमें ले आता हूं। क्विक ब्रेक और नाज़रीन इस पे आगे बात करते हैं दोबारा, स्टे विद अस। ब्रेक से जाने से पहले मैंने बात की थी क्या वक्त आ गया है कि स्क्वायर लाइंस ड्रॉ हो जाएं, और बिकॉज हम एक कैंप में देखे जाते हैं इंडिया अमेरिका वाला की पे ज़्यादा कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हैं और चाइना ऑब्सेशन अमेरिका का जौन सा है वो उसमें हम एक लार्जर पिक्चर में भी एडवर्सरी के तौर पर देखे जाएंगे। क्विकली मोहित, वन मिनट आपका इस पर टेक। मैं देखिए मैं ये बात कर रहा था कि सबसे सादा जवाब इसका ये कि ये सोचें, ये देखें चीन हमें क्या कहता है। कोई ऐसा एविडेंस है कि आज तक चीन ने हमें यह कहा है कि आप अमेरिका को छोड़ें हमारे साथ मिल जाएं? देखिए चीन के लिए भी ये प्रॉब्लम है, मैं कम से कम जितनी दफा उनसे इंटरेक्ट करता हूं उनकी ये बात होती है कि अपनी ऑप्शंस, आप जो अपने ताल्लुकात चला रहे हैं जिससे भी अमेरिका से भी ठीक हो सकते हैं तो बिल्कुल करें, आपकी बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट वो है, हमें मालिक इंक्लूसिव होना है। अगर आप सीपैक में और ममालिक को शामिल करेंगे वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट आएगी तो उनका अपना जो है उसको खराब करने का इंसेंटिव कम हो जाएगा। अगर सीपैक अफगानिस्तान पे एक्सटेंड होगा जो कि चीन चाहता है तो चीन भी खुश होगा, अफगानिस्तान का इंटरेस्ट भी पाकिस्तान के साथ ज्यादा लिंक होगा। तो ये तो सोच ही बिल्कुल गलत है फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान कि हम एक लाइन ड्रॉ कर लें। जो हमारा इंटरेक्शन अमरीका से है, अमरीका आज कोई वो मोजम्बिक नहीं बनने लगा है, अगर चीन आगे निकल भी गया तो वो दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत होगी। सो इसलिए वी डोंट नीड टू थिंक लाइक दिस, वी हैव टू बी इंक्लूसिव, सारों को स्टेक्स डेवलप करें कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो तो उनको नुकसान हो, बजाय इसके कि वो और ज्यादा हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमें अंडरमाइन करें। जनरल साहब कैसे स्टेक्स डेवलप करें? लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, कोई सक्सेसफुल डिप्लोमेसी यही है कि आप वर्किंग रिलेशनशिप अपने सबके साथ रखें, लिहाजा अमेरिका के साथ पाकिस्तान अच्छे रिलेशंस चाहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। दूसरी चीज ये है कि जो अभी अफगानिस्तान के मामले में तावन किया जा रहा है वो अमेरिका के साथ एक स्पेशल फेवर के तौर पे नहीं है,
पाकिस्तान जेन्युइनली चाहता है कि अफगानिस्तान में एक अमन आए जो हमारी जरूरत है, और हम ये कहते हैं कि वो रशिया के जरिए आए या अमेरिका के जरिए आए, हम तावन करेंगे हर किसी के साथ जो एक पुरखलूस एफर्ट करेगा यहां पे अमल लाने हो सकता है। और एक चीज, जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, ये ताल्लुकात जिस तरह के रहे हैं कभी वो अब कभी भी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि अमेरिका एक नेगेटिव डायरेक्शन में, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव डायरेक्शन में बहुत आगे जा चुका है। एड हो गई, जहाज आठ देने थे आपको, एफएटीएफ में ले गए आपको, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में आपको अपोज किया जा रहा है, कोई जगह छोड़ी नहीं। सवाल और था, भूल गया था, बड़ा जरूरी है। अगर तालिबान किसी कोलिशन में आते हैं अफगानिस्तान के अंदर, वेरी क्विकली, बड़ी क्विक, तो आप तो जो इधर तालिबान एलिमेंट है, पंजाबी तालिबान और ये, वो क्या वो ज्यादा मजबूत होंगे कि उनकी वजह से हम इनको हाथ नहीं डाल सकेंगे, कि क्या उनसे वो लोग हाथ उठा लेंगे? नहीं, देखिए, अगर आपका ख्याल है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान उसी तरह पावर में आएंगे जिस तरह पहले आए थे, तो मेरा ख्याल है हम एक गलत तरफ जा रहे हैं। इस तरह ना आ सकते हैं, ना अफगान जनरली एक्सेप्ट करेंगे, और तालिबान खुद भी समझते हैं कि उस तरह हम नहीं आ रहे, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि अफगानियों को मैक्सिमम जितना हो सके वो नई जो सेटअप। लेकिन जिस तरह इस वक्त हम इनको रगड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, सजाएं दे रहे हैं, क्या ये हम कर पाएंगे? देखिए, ये आपकी अंदरूनी कमजोरी होगी, उनके साथ आपका ये रिश्ता न मिलाए कि अगर वहां वो कोअलिशन में आते हैं तो ये आपके लिए ताकतवर होंगे। ये तो आप वैसे भी एज ए हुकूमत कमजोर हैं, आप उस पर हाथ नहीं डाल सकते, वरना भी जो थोड़ा बहुत हाथ डाला है विदाउट नेमिंग पीपल, तो उससे हालत थोड़ी सी बेहतर हो गई है कि नहीं हो गई, तो हुकूमत अपनी रिट मुल्क के अंदर जरा एस्टेब्लिश कर ले, ऐसा ना हो कि यहाँ पे खुली छुट्टी है, जिसने जो भी करना है जो कहना है। बाहर से जो फर्क पड़ेगा ना, जो अफगानिस्तान में वो जो इंडिया नेक्सस है, जो बहुत ज्यादा तालिबान को भी सपोर्ट और उसको स्पॉन्सर किया जा रहा है, वो कम होगा लाजमी। मैं अभी उनका इन्फ्लुएंस कम होगा और ये चीज कम। थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टनर। नाज़रीन, फॉरेन पॉलिसी आप एक प्रोग्राम में नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन जो समझने की बात ये है, जो आज डिफरेंट हमने सब्जेक्ट डिस्कस किए हैं, कि डिप्लोमेसी इज आर्ट ऑफ पॉसिबल, बहुत समझदारी की जरूरत है। और गवर्नमेंट अगर, तो फॉरेन मिनिस्टर ने इस तरह के बयान देने हैं करतारपुर खोल के इमरान खान ने गुगली मार दिया, फिर अल्लाह रहम करे पाकिस्तान की गुगली हो जाएगी। हमें एक बहुत मेच्योर अप्रोच चाहिए, हमें मेच्योर डिलिब्रेशन चाहिए, एंड वी होप कि जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, अपनी टीम है, ये प्रॉपर थिंक टैंक बना के पॉलिसीज बनाए, और ये विम्सिकल पॉलिसीज ना हो, इंडिविजुअली डायरेक्टेड, इंडिविजुअली कंसीव्ड पॉलिसीज ना हो। दुनिया बड़ी सीरियस जगह है, इट्स अ वेरी सीरियस प्लेस, और दुनिया मस्खरों को या जोकर्स को फिर वही सलूक करती है जिनके साथ होना चाहिए। दे आर वेरी ट्राइंग टाइम्स अहेड, एंड वी नीड टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।